بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بال... اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته उम्मीद है आप सब खैर वाफ़े से होंगे अल्लाह हम सब को आफ़ियत में खैर में भलाई में रखें और उन अमाल की तोहफ़ी अदा कर दे जो अल्लाह को पसंद हो अल्लाह अला व वाली राजी हूँ इन क्लास का वन सली असूल करीम अम्माबाद मिनतर बसमी रबी सौदरी वली واحلل من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا رزقا طيبا اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم चलिए मुझे है आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायजा लिया होगा अल्लाहना चलिए इनशा हम पढ़ रहे थे छोटे अमाल लेकिन उनका जो अजर है वो बहुत बड़ा है आज हम जो पढ़ेंगे रिबात में हिस्सा लेना एक माँ के क्याम और रोज़ों से ज्यादा उसका सवाब है ना सलमान फारसी रदीअल्ला से रिवायत है आ... जी इनशा वही वही वाली स्लाइड लगा दीजिए अमाल वाली ना तो उसमें मैंने अपलो उसमें मैंने डाला ही नहीं है नही सकी तो बात में हिस्सा लेना एक माँ के क्या और रोजों से ज्यादा सवाब सलमान फारसी रदी से रिवायत है कि नबी ने सर्शाद फरमाया एक दिन और एक रात सरहद पर पहरा देना एक माह के रोजे रखने और कयाम करने यानी पढ़ने से बेहतर है और अगर वो पहरा देने वाला उस अमल के दौरान फौत

और अगर इंसान इसी हालत में फौत हो जाए तो अल्लाह ताला के जिन से उसका रिस्क भी जारी हो जाएगा और उसके खबर उसकी जो खबर है वो फितनों से महफूज रहेगी ना तो आप देखिए जो रिबात करने वाली है ना उन पर चाहनों की आग हराम है ना एक हदीस में यू भी आए कि जो लोग रिबात के खातिर अपने डेरे सरहदों पर लगा लेते हैं इन लोगों को कयामत के दिन फरिश्तों के सलाम के साथ सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा अल्लाह को अकबर दुनिया में तो एक के बाद एक मसाइल एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है ना लेकिन आप देखिए कि सुबहान अल्लाह रिवायत करने से एक तो ये कि जन्नत में सबसे पहले एंटर होना और फिर फरिश्तों का सलाम इसी तरह एक मुफसल रिवायत में है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या फरमाया क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की मखलूक में सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा और उसका रसूल ही जानते हैं आप सल फरमाया अल्लाह के मखलूक में से जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा वो फकार और महाजरीन का गुरु होगा जो सरहदों पर पहरा देते होंगे जिनके जरिए से नापसंदीदा उमूर

इबादत करते थे मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराते थे ये सरहदों पर पहरा देते थे इनके जरिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था ये अपनी ख्वाहिशा सीनों में ही लिए मर जाते थे इन्हें पूरा करने की इनके अंदर ताकत नहीं होती थी चुनाचा फरिश्ते इनके पास आएंगे और हर दरवाजे से ये आवाज लगाएंगे तुम पर सलाम तुमने सबर किया आखरत का घर कितना ही अच्छा है Kitni kumsura da ba dina? Assalamu <coughs> alaikum bimasa bartung fan ni कितना खूबसूरत है आखरत का घरना इसी तरह देखिए खाने के बाद शुक्र अदा करने पर रोज़ों का सवाब है मैं और आप तो मज़े मज़े के खाने खा लेते हैं लेकिन बाज़ोकर उस खाने के बाद शुक्र के क़लेमात नहीं कहते ना तो अगर आप खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो फिर आपको रोज़ों का सवाब मिलता है अब हुर रजियाल्लू से रवायत है कि नबी सल्ला वसलम फ़र्म अपा इमो शाह के रू कस्सा इमे सौ खा खाना खाकर शुक्र करने वाली का अजल

अदा किया तो असल बात है जब आप खाने के बाद अल्लाह की दी हुई इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं तो ऐसा है कि जैसे आप सबर के साथ रोजे रखते हैं सुबहान अल्लाह आप ये अमल करते होंगे लेकिन जब आपको इसका अजर पता चलेगा कि आपको रोजे की रखने की तरह आपको अजर मिल रहा है इस शुक्रगुजारी पर तो हम में से कौन है जो ये अजर को ना लेना चाहे ना

ये आप करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमजानों में तो ये बहुत होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी का रोज़ा रोज़ाफतार करवाते हैं तो आपको भी उसके रोजे का अजर मिलता है और आपके और उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं होती फिर देखिए जिहाद जिहादी सभी के जरिए क्याम और सयाम का सैदना एजल रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिद की मिसाल और ये तो अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह की राह में जिहाद कौन करता है उस रोजेदार की तरह जो रात भर के क्याम में मसरूफ रहता है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने जमानत दी है कि उसे मौत देते ही जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह अकबर या अजरु गनीमत समेत वो उसे सलामती से जिंदा वापस लौट आएगा किस है? आप सोचिए इसी तरह देखिए अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं ना जिन्हें बैतुल्ला का सफर करने की तोफीक मिल जाती है बास ऐसे बंदे है जो रात दिन जिसे कहा जाए जा, बेतुल्ला की जियारत की तमन्ना करते हैं लेकिन वो ऐसी बात होती है किसी भी बिना पर वो अल्लाह के घर की ज्यारत नहीं कर पाते मस्जिद नब नहीं जा पाते तो ऐसे बंदों को भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह अल्ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो न वो हमारे हमारे लिए, लिए राह है वो उनके जरिए से हमें पता चलता है कि इंसान अगर हजन उम्र पर नहीं भी जा सकता मस्जिद हराम को नहीं देखा उसने मस्जिद नबभी को नहीं देखा तो कोई बात नहीं अब आपको भी अजर से महरूम नहीं किया आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कोई गुर्बत है कोई परेशानी है कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि मीठ नहीं हो रही वहां तक जाने के लिए तो ऐसे मौके पर अगर बंदे ही अमल कर

और उम्र हज और उम्र के बराबर सवाब है फिर आप देखिए मुकम्मल हज और उम्र के बराबर सवाब है मुकम्मल हज और उम्र के बराबर सवाब है ये अल्फाज आपने तीन दफा दोहराए तो जो लोग सुबहान अल्लाह नहीं जा पाते किसी भी वजह से जिसे कहा जाए हजन उम्र के लिए तो वो क्या कर सकते हैं वो इनशाला बाज नमाज के बाद अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहकर जब तक सूरज धलु नहीं हो जाता वहां बैठे रहें और फिर दो रिकात नमाज इनशा इशराक तो की पढ़ लें तो अल्लाह की रहमत से जिसे कहा जाए आपको ये अजर मिलेगा अल्लाह तला मुझे और आपको ये अजर समेटने वाला बना दे अल्लाह चलिए इनशा हम अपनी रेसिटेशन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे ये छोटे छोटे से अमाल हैं बट लेकिन बहुत पावरफुल है ना तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक देते पहले इंशाल्लाह आज हमारी सूरह अल आसुर है और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से याद किए हुए हैं आज छोटी सी सूरत है बहुत पावरफुल है पहले इसका लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिटेशन देख लेते हैं बिसमान रहीम वसम जमाने की बेशक अल इंसान इन्सान इंसान लफी यकीनन

हमारे जो इमाम है वो कहते हैं कि अगर कोई सूरत को सिर्फ अगर डीपली डीपली उसकी नॉलेज और उसका फहम हासिल कर ले तो ये पूरे कुरानी मजीद का खुलासा है ना कि इंसान देख ले के क्या क्या काम करने हैं जब जाके मैं और आप खसारे से बच सकते हैं ना और तमाम इंसान खसारे में है सब के सब हुँ? अल जो लगा ना ये तमाम के मीनिंग में ले लिया इंसान नहीं तमाम इंसान खसारे में सिर्फ कौन कौन लोग बचेंगे वो कैटेगरी बता दी है तो अगर इस सिर्फ सूरत को इंसान समझ ले तो हो नहीं सकता कि इनशाला अल्लाह के, के जिनसे उसको तोफी हो

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بالحق وتواسوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر बहुत ही खूबसूरत छोटी सी सूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह लाला आपने साथ साथ क्या होगा थोड़ी सी इंशाल्लाह तजवीद को देख लेते हैं Sure, मेक पे आपने बाउंस नहीं करना को बारिक लगे, आ नहीं, आसुर नहीं, आसुर। को नहीं स्वाद मोटा कीजिएगा तो क्योंकि तो क्यों हम हैवी कर रहे? तो से पहले जो आइन है उस पर फतहा है ठीक है वैसे अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो वेल आप इंशाल्लाह लाइट रखेंगे ठीक है लेकिन अगर रोकेंगे तो

आपने बाउंस नहीं करना इंसान आपकी सीम के मखरज के पास जब आपकी टिप ऑफ आप द टंग होगी तो आपके ऐसे करके नहीं आवाज आएगी क्योंकि तो ये आपकी बिल्कुल वहीं पर है सा में आप देखिए ये सीन मेरे आपका फील हो रहा होगा ये साउंड आ रही है स्लिंग की ना क्योंकि मैंने मैं फील कर रही हूँ की मेरी टिप ऑफ द टंग मेरे दांतों के पीछे ये साइना ठीक इसकी साना, है इसकी सिफात इसके अंदर आ गई साइना सा को आपने टू काउंट मदल तब है टू काउंट लफी फी में भी आपको हम फील हो रहा होगा एयर बाहर आ रही होगी लफी फी को आपने टू काउंट खोसरो ठीक है खा को हैवी करते हुए सीन को वाजी करते हुए खोसरो

वी हर एक 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 हर कर दीजिएगा लो सो सो को आपने हैवी करना लो हा है लो सो ये है को आपने टू काउंट पढ़ना है और सो को लेकिन इसके अंदर सिर्फ सौत हैवी है रेस्ट ऑफ द लेटर्स आपके लाइट है ठीक है सो ये है सो तो इसके अंदर भी विस्लिंग साउंड बाजी हो आमे लो सो हा ये है हाँ को आपने टू काउंट पढ़ना इंशाल्लाह थी ताकि कसरा अच्छा ये वाला ती इसको लाइक रखिएगा वत व स व त व वा, 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 वा पर टू काउंट इंशाल्लाह पढ़ना है अलफ दिया है लेकिन वाओ एंड था ये दोनों आपको एक-एक काउंट एक एक पढ़ना है सव ये भी आप ऑलमोस्ट टू काउंट पढ़ लेंगे वाओ वा दिया है ठीक है वा एंड सव वा और सव ठीक है इसको टू टू काउंट बिल हकी ठीक है बिल लम पे आपने बाउंस नहीं करना बिल हकी नु बिल ह की 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 कसरा आपने शार्प रखनी है सेम बता सौ बे सब मेक श्योर स्वाद जिसे कहा जाए आपका हैवी होगा सब तो बाल और रॉ आपका वाजी होना चाहिए लास्ट का जो रॉ है बहुत प्रोमिनेंट हो ताकि पता चले कि आपने रॉ पे जजम दिया है है तो रॉ पे आपने जरा सा इसको थोड़ा सा इनशाला चलिए जजाक है, तो चली, के है बहुत सा था, लेकिन आ, एम, क्या कहते हैं अगर आप नेक्स्ट आया नेक्स्ट सूरत के साथ इसको मिलाते हैं तो फिर रॉ को लाइट रखेंगे अदरवाइज इसको हैवी पड़ा जाएगा और स्वाद भी आपका हैवी है लेटर है वो के अंदर आते हैं ठीक है बार चलिए इनशाला अलग छोटी सी सूरत थी और छोटा सा आपका वो था आप हम इनशाला ग्रामर की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं आपका होमवर्क है कि आपने इनशाला इस सूरत की रेसिटेशन विद ट्रांसलेशन के साथ इनशाला भेज ली छोटी सी सूरत थी ना इनशाला मूव ऑन हो जाएंगे अपने ग्रामर की तरफ आप सब रेडी हैं ना हम इनशाला अपनी सूरत को सॉरी हमारी आ, वो है ना सूरत ठीक है जी ग्रामर भी हमने कहाँ तक किया था जी स्लाइड uh, पे खोल दीजिए जी सी खोल रही है ना हाँ जजाक लग है हाँ मरकबी जापी का इस्तेमाल जुमला इसमिया में हम देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह और हमने देख लिया था यहां तक ना कि नैसे हम, हमने देखा था जो जो कंप्लीट कंपाउंड होते जिसको हम जुमला भी कहते हैं जिसको हम कलाम भी कहते हैं तो जो जुमला होता है वो दो तरह का होता है इस्मिया और फेलिया जो इसम से शुरू होगा वो इसमिया जो फेल से शुरू होगा वो फेलिया ठीक है नामिनल सेंटेंसेज और वर्बल सेंटेंसेस जो नॉमिनल सेंटेंसेज है वो नाउन से शुरू होंगे

अगर मुबतद मुफरद है तो अमूमन मुब्त मारिफा होगा और खबर ठीक है अब हमने मुख्तफ कंडीशन देखी वरना ये कि अगर आप उसमें देखा जाए कि लाइक जेंडर में देखा जाए या अगर आप इराब में देखेंगे या फिर आप जिसे कहा जाए उसमें देखेंगे क्या कहते हैं तीसरी चीज आपको बताई थी ना कि इराब में देखें जेंडर में देखें और साथ वाहिद तस्निया जमा में देखें तो आपको वो दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा मुबतदा अपनी खबर के साथ लेकिन अगर मुफरद है मुफरत आया, आया है तो उस वक्त अमूमन क्या होती है मुबतदा तो जो है देखा की मुबतदा जो है मरकब इजाफी की शक्ल में भी आता है मरकबे और ख़बर भी मरकब इजाफे की शक्ल में आती है इसी तरह मुबतदा जो है मरकब तो की शक्ल में भी आता है और ख़बर भी आती है इसी तरह मुबतद जो है वो अः वन वर्ड भी आता और खबर कभी जार मजूर भी होती है लेकिन कभी भी जार मजूर जो जा है वो मुबता नहीं बन सकते जार मजूर शिबो जुमला खबर तो बन सकते हैं और कभी कभी इनको मुबता से पहले लाया जाता है और उसकी वजह ये होती है कि जब खबर को पहले मुकदम किया जाता है तो इससे कलाम में जोर पैदा करना होता है हम्म मजलाफिली ठीक है ना तो कहने का मतलब है कि कभी कभी इनको पहले लाया जाता है तो फिर ये जार मजूर अगर आ जाए तो ये खबर तो बन सकते हैं शबु जुमला खबर लेकिन ये मुबतदा नहीं बन सकते फिर हम यही देख रहे थे कि यानी अगर हम मुबदा की डिफरेंट कंडीशन देखें कि मुफरत भी आ सकता है मुरकब तो और खबर मुफरत हो जाए कभी खबर मुरकब मरकब तो मुबतदा मुफरद हो जाए कभी खबर जो है वो मुरकब इजाफी और मुबदा मुफरत है कभी आप देखेंगे कि मुबदा जो है वो मुरकब इजाफी है और ख़बर जो है वो जिसे कहा जाए मुफरत है और कभी दोनों ही मुरकब इज़ाफी की शक्ल में दोनों ही मुरकब तो की शक्ल में ठीक है ना और कभी जो है वो जान मजूजो जुमला खबर जो है मुकदम लाया जाता है अब यहाँ पे बस आपको यही बताया जा रहा है कि मौसू और मुदाफ बतौर मुबतदा और खबर के तौर पर अब यहाँ पे क्या मिक्स हो रहा है और मुदाफ बतौर मुबतदा और खबर के तौर पर अब यहाँ पे देखिये एग्जाम्पल वन ठीक है पहले देखिये अलदु तालिब ये तो सिंपल से एग्जाम्पल है ना कि जो लड़का है वो स्टूडेंट है ठीक है अल कौरआन मुब्त है कि कुरान जो है एक किताब है है ना तो अब आप देख रहे हैं कि वन वर्ड है अल वलदु अल कुरान दोनों मुबतदा है दोनों वर्ड वन वर्ड है दोनों मारिफा है और तालिबुन और किताबुन अगर आप स्क्रीन पे देखें तालिबुन और किताबुन दोनों नकिरा है और वन वर्ड है तो ये खबर है अब आगे देखिये वलद जईदिन तालिबुन अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें का लड़का इल्म है। तो आपको पता चल रहा है ना कि आपने इसको देखा कि जो जैद का लड़का है ये कौन सा है आप कहेंगे कि जैद का लड़का ये मुब्तदा है वह हुआ और वो मुदाफ भी है और जैदिन क्या है मुदाफ लाई तो जैद का लड़का क्या है आ गई

आगे देखिए अब ये अगर आप गौर से देखें ना तलबुल उलमी इलम का हासिल करना तलब करना फरीदतुल मुस्लिमी मुसलमान का फरीजा है तो आप देख रहे हैं कि दोनों मुरकबे की शकल में आ रहे। अल इल्मी इसी तरह देखे अलदुल्हसन जदीदुल अगर आप गौर से देखे अलवुलसन दोनों चारों चीजों में कॉर्डिनेट हैं इतनी पहचान तो आपको हो गई है ना कि चारों चीजों में दोनों रहे हैं ठीक है ना तो आप कहेंगे कि क्या है मुबतदा मुबतद जो है अलवलद वह हुआ मौसू अलहसन इसकी सफ़र है पालिबुन इसकी खबर है वह हुआ मौसू और जदीदून इसकी सफर है ठीक है तो इससे आपने देख लिया कि ऊपर ऊपर जो मिसालें हैं उनमें जो दी गई है तो उसमें मसूफ मुदाफ दोनों मुबतद ख़बर के तौर पर आते हैं ना और, और जो खबरें हैं मुबतद जो है वो मुफरत भी आता है और खबर भी मुफरत आती है नेक्स्ट आ जाइए इनशाला जी नेक्स्ट स्लाइड में हम्म um, जी हमने ये किया नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हाँ शाम में हमने ये कर लिया था क्या मुझे लग रहा है कि जैसे किया है मुझे याद नहीं आ रहा बता सकता हमने ये किया है मुझे लगता है मैंने कल लास्ट टाइम करवाया है ये आपको जी जी मैंने करवाए ये वाला पेज करवा दिया ने, नेक्स्ट मुझे अब याद आ रहा है जी ये मैंने आपको करवाया था ये भी मैंने करवा दिया ये मुझे याद है हम्म आप आ जाइए हमने हमने इजाफी में तस्तिया को देखा था जो मैंने आपको बताया था नूने इराबी गिर जाता है ठीक है नून इराबी कहाँ ये नाम याद है मैंने आपको बताया था कि जब जेर कब एक्सेप्ट करते हैं गैर मुंशरफ असमा अगर वो मौरफ बल्लाम हो और आगे वो मुदाफ हो तो फिर वो हालत जर में जेर को एक्सेप्ट कर लेता है जी मैंने ये करवा दिया था नेक्स्ट पे आ जाइए जी ये भी ये भी हो गया था हम्म जी अल्हमदल जला खैर ये भी हो गया था इसपे पेज आई थिंक इस पे आ जाइए तस्निया वाला भी उसके बाद हरूफ मुशल फे पे आ जाइए ऐसा कीजिए हम्म हाँ जजाकल्ला खैबार फिक तो हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने देख लिया था कि मरकबी इजाफी के अंदर जो जो तस्निया और जमा के अंदर जो नून होता है वो नून इराबी या फिर हमने कहा था कि कैसे नून ड्रॉप हो जाता है जैसे बवा बिलकसरा तो हमने कहा था बवाबल बल कसर ना कैसे ये हमने कर लिया था आज हम इन शहरफ मुजबा बल फेल देखेंगे इन्ना जो कि जिनको इन्ना अखवात हा भी कहा जाता है व इन्ना व अखवात इन्ना भी कहा जाता है ना से खा भी कहा जाता है से खा भी कहा जाता है ये छह है ठीक है ये आपको चिप पे याद होना चाहिए इन्ना अन्ना का अन्ना इन्ना पे है। मुझे जो सीक्वेंस याद हो गया है वो ये अब आपको जो भी याद हो जाए इन्ना अन्ना का अन्ना इन्ना तो आप इसको इनशा देखियेगा इन्ना का मीनिंग बेशक यकी अल्लाह याद रखिये या इनकी इनकी जो क्वालिटीज है वो क्या है पहले हम थोड़ा सा इसको देख लें फिर मैं इनशाला आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगी ठीक है ना इन्ना का मीनिंग होता है बेशक ठीक है ये हमेशा ये तो वो हरूफ है जो बेसिकली इसम से पहले आते हैं ठीक है, बट फेल नहीं है। तो ये क्या है बेसिकली ये इसम से पहले आते हैं जुमला इसमिया से पहले आते हैं नंबर टू इनका असर होता है ये एक्टिव लेटर एक्टिव है इनका असर किस पर होगा मुबतदा पर होगा और वो एक्शन क्या होगा कि वो मुबतदा को नसब दे देंगे मुबतदा को क्या कर देंगे नसब दे देंगे असल में क्या था अल्लाहु मअसाबिरीन अल्लाह क्या है मुबतदा अल्लाह ही था मअसाबिरीन मा, मा जर्फ है वह हुआ और असाबिरीन मुदाफ इलैह ठीक है यानी मुदा मा जो जर्फ जो है मुदाफ की तरह एक्ट करते हैं तो अल्लाह जो है सबर करने वालों के साथ है लेकिन इन्ना जब लगा तो इन्ना की वजह से वर्ड अल्लाह की जो दम्मा थी वो से फता में तब्दील हो गई तो क्या हो गया इन अल्लाह बेशक अल्लाह यकीन अल्लाह अल्लाह ठीक है किसके साथ, साथ है ठीक है ना तो इन्ना की वजह से वर्ड अल्लाह के अंदर क्या तब्दीली आई मुबतदा के अंदर क्या तब्दीली आई कि वो हालत रफा से हालत नसब में चला जाएगा ठीक है सिंपल सी बात है अब हम क्या कहेंगे कि इन्ना को वर्ड अल्लाह हम ये नहीं कहेंगे ये मुफ्त है अब हम ये कहेंगे ये इन्ना का इसम है और मादरी आप कहेंगे इन्ना की खबर है जैसे राज बनकर ठीक है मादरीना ये इन्ना की खबर है ये इन्ना की खबर है अन्ना अन्ना का मीनिंग कैसे इस्तेमाल होता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है असल में क्या था अगर अन्ना नहीं होता तो क्या होता मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है अशहदु मैं गवाही देती हूँ या मैं गवाही देता हूँ ठीक है ये तो फेल है लेकिन अन्ना के बाद आप देखें तो मुहम्मद के बजाय मुहम्मदन हो गया क्यों हुआ है ये अन्ना की वजह से ये पूरा कंप्लीट जुमला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह के रसूल है हु? लेकिन अन्ना हो गया तो बता दिया कि बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह के रसूल हैं तो कहने का मकसद है अन्ना की वजह से महम्मद से महम्मदन हो गया ठीक है मुक्त पर इफेक्ट आया अब हम कहेंगे महम्मद अन्ना का इसम और रसूल मुदाफ मुदाफिल बनकर अन्ना की खबर है ठीक है खबर पे कोई एक्शन नहीं है सिर्फ है का अन्ना गोया के का अन्ना अगर हम इसको का अन्ना नहीं होता तो ये कैसे होता अगते फलू का मरू। आ, बच्ची जो है चांद है चांद का टुकड़ा है चांद है ठीक है लेकिन का अन्ना लग गया तो अगतफला हो गया का गोया के अत्फला बच्चे कमर चांद हो जैसे कोई खूबसूरत होता है तो उसको अक्सर चांद से रिजेम्बलेंस दी जाती है ना तो बस वही मिसाल यहाँ पे लाई गई है ठीक है का अन्ना का अन्ना तिफला कमर तो अब हम कहेंगे अत्फला का अन्ना का इसम है और कमर का अन्ना की खबर है लेकिन लेकिन इन नल कुरान हम्म बेशक कुरान इन्ना का इस्तेमाल देखे इन्ना की वजह से अल कुरआनू से अल कुरआना हो गया बेशक कुरान क्या वाज़े है क्लियर है हम्म वाज़े है ना प्रॉम बिल्कुल क्लियर है ठीक है ला लकिनल क्या फेरीना अगर आप गौर से देखे लकिनल क्या फेरुना से क्या बन गया उसकी नसा भी आदत काफरीना लकनल काफिरीना इसकी ना सभी हालत है और जो उसका फा, जो उसका खबर है वो ऐसे जारी है होना लेकिन काफिर जो है वो क्या है जाहिल है तो आप क्या कहेंगे लकिन्ना का पहले आप देखेंगे कि इन्ना का जो इसम है अल इन्ना का इसम क्या है अल कुरान और इन्ना की खबर क्या है बैन लेकिन लकन्ना का इसम क्या है अलकाफिना और जाहलूना लकन्ना की खबर है ठीक है लई तईता काश काश लेत गालिबुन। अल इस्लाम। इस्लाम गालिबुन गालिब है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है लईता का इस्लाम गालिबुन गालिबो। तो कहने का मकसद यह है कि लैता की वजह से अल्स्लामू से अल्लामा बन गया जो कि लैता का इसम है और गालिबल की खबर है ला, ला शायद ताकि उम्मीद है लाला ला शायद सच्चा सच्चा हो, सच्चा हो, ठीक है ना अब देखिए तो लाला ला की वजह से फंक्शन क्या है कि उसने मुफ्त पर एक्ट किया और जैद से जईदन हो गया ठीक है ना और सान इसकी वन वर्ड लाला की खबर आ रही है ठीक है अलहमद अब आपको आगे नेक्स्ट पेज में उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है

जईदुल आलिम लकिन जाहिल वो कह रहे हैं कि जैद जो है आलिम है लेकिन उसका जो बेटा है वो जाहिल है ना तो ये जो लाकना है ना लाकिना जो है लाकिना की वजह से आप देखिए नहीं हो रहा, हो रहा है किसकी वजह से लाकिना जईदुल आलिमन ये कम्प्लीट जुमला है ठीक है कौन सा जुमला है जुमला इसमिया जैद आलिम क्योंकि जैद क्या है जैसे मालिफा है और आलिम नकिरा है ठीक है न मलामे नाम है ठीक है ना, ना तमीन तो है लेकिन इसे मलामे तो ये इसे मलम की कैटेगरी है लेकिन आगे देखिए लकिन अब लकिन का फंक्शन किस पे हुआ इब के बजाय इबना हो गया तो लाकिना की वजह से इबन से इबना हो गया लेकिन उसका बेटा तो आप कहेंगे इबन पे उसका असर नजर आएगा याद रखिए अगर कंपाउंड की शक्ल में आ रहा है ठीक है अगर आपके पास जो मुबतद है वो कंपाउंड की शक्ल में आ रही है तो याद रखिये जो हरूफे बिल्फे है ना उसका असर अगर कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? है तो फिर सिर्फ मुदाफक् है तो सिर्फ मासूफ पर असर होगा तो लकिन तो आप कहेंगे लकन्ना इबन इसकी जिसे कहा लकन्ना का इससे में व हुआ मुदाफ और जाहिल खबर आ रही अर्रजुलु गनीयुन लकिन्नहु बखीलुन आदमी जो है वो बताया जा रहा है ये तो बुरा जुमला है कि गनी है हम्म लेकिन न लेकिन उसका वो जो है बख़ील बख़ील भी है अब यहाँ पे देखिए लेकिन न लेकिन न हो लेकिन न हो ठीक है जमीर की फॉर्म लेकिन वो बकील भी है भी बताया जा रहा है भी करता है ना तो अब आपको पता है जितने भी जमायर होते हैं ना उनका इराब होता है ना आपको याद है ना वो मबनी होते हैं उनको जैसा लिखा जाता है लेकिन हमें पता है लाकिना की वजह से जिसे कहा जाए ये 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 जो ये जो शक्ल आ रही है अगर आप देखेंगे हु हुमा हुम ये मनसूब जमायर की शक्ल है ना अगर ये मरफू होती तो हुआ हुमा हुम होती ना उस फॉर्म में होती हुआ हुमा हुम हुआ हुमता लेकिन अगर आप मनसूब जमायत की शक्ल देखेंगे तो वो इसी फॉर्म में आती है इसी फॉर्म में आती है ना तो ये आप कहेंगे लेकिन वो बा, बा, बाखील उन बाखील है। इसी तरह देखिए वक्त तो न से करीब लकीर न अक्सर हम देखिए लोगों के हिसाब का वक्त ये कौन सा है कॉम्प्लिकेटेड मरकब इजाफी है ना तो आप समझ गए होंगे अब सब में देखे कसरा आ रहा है तो कसरा आने का तो सिर्फ दो रीजन होता है जरी हालत का तो दो रीजन होता है ना या तो वो मुदाफिल होगा या फिर उससे पहले मुदाफिलूफे जा रहा होगा लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारे नासी लोगों के हिसाब का वक्त आप कहेंगे वक्त मुक्तदा वह हुआ मुदाव हिसाब मुदाफिल वह हुआ मुदाव अनासु मुदाफिल कहेंगे या हिसाबी मुदाफ मुदाफ वह हुआ मुदाफिलई और फिर आप कहेंगे अन्नासी मुदाफिलई और करीब इसकी वन वट कर पर आ रही लेकिन लकिन को देखिए अब जब आया तो अक्सरू अक्सरा में बदल गया हम्म लेकिन अक्सर उनके क्या है गाफिलून गाफिल हैं क्योंकि अन्नास है ना जमा रही है इसीलिए गाफिलून तो यहाँ पे देखिए लाकिन न का इसम क्या है अक्सर वाफिलून वा इसकी खबर आ रही है इन अल्लाहुफ़ज़लिनल्लानासी ये पूरा आपका जुमला है ठीक है इन अल्लाह इन्ना की वजह से अल्लाह पे लफ्ज अल्लाह के ऊपर फतह आ गई लाजुफ़ज़लिन अलबत्ता फजल वाला है ठीक है अब आप कहेंगे इसकी खबर क्या है जू फजलिन फजल वाला है ये इसकी खबर है ठीक है जू, जू जान आपने पढ़ा था मैंने आपको पढ़ाया था ना अगर आपको मैं ने आपको कुछ अल्फाज अफाल वो करवाए थे खमसान क्या कहते हैं ज़ूज़ाज़ी है ना तो ज़ूज़ की हालत है रफा है ना इस ये हालत है रफा में आ रहा है ला जो है वो ताकीद का आ गया ठीक है अगर आपको बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि वो मैंने पांच चीजें आपको करवाई थी ना तो उसमें ये आता है जू जाजी और इसके अलावा मैंने फमुन फा, फा फमा फा फमी फा और इसके अलावा मैंने आपको और चीज करवाई थी ना तो लजू आप कहेंगे बस ये कंप्लीट है ठीक है आप कहेंगे इन बेशक अल्लाह ताला इन्ना इन्न इन्न अल्ला लजु फजल ये आप कहेंगे कि ये इसका इसकी खबर है ठीक है जू इसकी हालत रफा है और फजलिन मुदाफिल मुदाफ मुदाफिल ये मुदाफ की तरह एक्ट करते हैं और लाम जो है ये ताकीद का आगे ठीक है बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा फजल वाला ठीक है अलनासी ये क्या है ये मुतल कबर है आप कहेंगे ये मजीद कबर की वजाहत की जा रही कि लोगों पर लोगों पर जार मजरूर ठीक है अब हम इसको खबर नहीं कहेंगे जब खबर एक जुमले के अंदर मौजूद होती है मुदाफ, मुदाफ की शक्ल में या मुफरत की शक्ल में या मरकब तो की शक्ल में तो फिर हम चार मजूर को कभी भी खबर नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे खबर अलनासी लोगों पर वला किन्ना वाला, किन्न, वाला किन्न अक्सर नासी अब देखिए अक्सर नासी क्या है अब आपने देखा अक्सर की वजह अक्सर वाला किन्ना की वजह से लाखन्ना की वजह से ठीक है आप कहेंगे लाकिन्ना का इससे में अक्सर वह हुआ मुदाफ अन्नासी से मुदाफिली वो शुक्र अदा नहीं करते जुमला फेलिया बनकर उसकी खबर आ रही ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इस, इस, इसी तरह आप इसको करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा ठीक है अब इसी तरह अगर आप अगर आपने शुरू कर दी ना तो आप आराम से मैंने तीन तक करवा दिया बाकी तीन आप खुद से इंशाल्लाह आसान है कोई मुश्किल नहीं है बस थोड़ा सा गौर फिक्र करना और आप आराम से बता सकते हैं ठीक है चलिए अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे कि इन्ना व अखवा इन्ना प्लस माँ अच्छा ये जो माँ है ना याद रखिए जब इन्ना के साथ माँ होती है, तो ये हरूफे मुशबा बिलफेल का असर खत्म कर देती है ठीक है जैसे हम कहते हैं इन नमल आमालू अब ये आमाला नहीं हो रहा क्यों क्योंकि ये माँ जो ज्यादा है जब ये इन्ना के साथ अटैच हुई तो इसने क्या किया इन्ना का जो एक्शन था आमाल पे वो ख़त्म कर दिया इसीलिए अल आमाल हो रहा नॉट अल ठीक है आमाला, तो ये बात समझ आ गई कि हरूफ मुशबा बिलफी के साथ अगर कोई माँ लग जाए जैसे इन्ना के बजाय इन्ना माँ आ जाए तो ऐसे मौके पर ये माँ जायदा है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये हरूफ मुशब्बा बिलफील का असर खत्म कर दिया तो बेशक मोमिन अब ये मुमिनीना नहीं हो रहा इन्ना की वजह से नहीं माँ लग गया तो मुबमिना बेशक जो है मोमिन क्या है भाई भाई इन नमल अमाल बेशक नियतों का जो बेशक अमाल का मदार क्या जो है नियतों के साथ है ठीक है इन नहनु मुसलिम इन वजह से अब क्या हुआ? उसका असर खत्म हो गया नहनु हम मुस्लिम मुसलमान है इन नमा बेशक तो मुजकर बस डराने वाला है इन नसूल सॉरी मतलब जैसे एक तरह से खबरदार करने वाला न तो अगर आप देखेंगे इसी तरह अन्नामा अन्ना इन्ना के बजाय अब अन्नामा भी आ सकता है अन्नामा हजिल हयात दुनिया अगर आप देखेंगे इन्ना सॉरी अन्नामा हा जहल हयात दुनिया मताउन कितना पूरा कंप्लीट जुमला है आप देखिए बेशक ये दुनियावी जिंदगी मताउन समान है ठीक है ना एक फायदा है जो भी कह लीजिए इंशाल्लाह जो भी कह लीजिए फायदा है ठीक है तो अन्ना मका जिसे कहा जाए असर खत्म हो गया ठीक है खत्म हो गया खत्म हो गया हाजिल हयात दुनिया क्या है आपको पता है क्या हाजा जो है इसे मशा और ये अल हयात ये इसका क्या है मुशा वह मौसुक भी बनेगा और दुनिया और दुनिया जो है ये इसकी सिफत बन जाएगी क्योंकि ये चारों चीजों में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ठीक है तो ये इंशाल्लाह आपका हो गया कि जब माँ अटैच हो जाए तो फिर इन का असर खत्म हो जाता है नेक्स्ट पेज पे आ शाबाश मुरक्कब शा को थोड़ा सा देख के फिर मैं आपकी लेसन को आ, देखूंगी थोड़ा सा उसमें से एनालिसिस करवाऊंगी मुरक्कब शादी और इस्मिया का फर्क ठीक है थोड़ा सा आप मुरक्कब शा को जान चुके हैं जैसे हाजल किताब आपको पता है जो है वो ज्यादातर मोर्रफ बिल्लाम लाम के साथ होता है अगर आप यहाँ गौर से देखें हाजल किताबु ये नहीं कहा जा रहा है हाजा के ताबुन लाम लगने की वजह से ये मुरक्कब शारी आप कहेंगे ये किताब ठीक है हाजा अल इसे में अल ने आप कहेंगे ये किताब लेकिन इसके बार अगर आ जाए हाजा कि यानी अल नहीं लग रहा सिर्फ किताब ना गया तो एक चीज मारफा है दूसरी चीज ना किरा है तो आपने पढ़ा था ना जिसे कहा जाए जब जब नॉमिनल सेंटेंसेस देखे थे तो आपने क्या देखा था कि मुख्तार मारफा और खबर ना किरा होती तो हाजा तो मारफा की कैटेगरी है मुरकबी इशारी है और किताब इसकी खबर आ रही है ठीक है तो आप कहेंगे ये किताब है ये किताब है हाजल किताबू ये किताब हाजा किताबू ये किताब है ठीक है ये डिफरेंस है बता रहे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए ये कम्प्लीट जुमला था जी अब आप देखिए कि इले की सिफत भी लाम होती है ठीक है अब आगे ये बताया जा रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आगे मुशारुन इले है और उसकी सिफत भी आ रही है है पेज ने, नेक्स्ट वाला पेज निकालिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि मुशारुन इले की सिफत भी याद रखिए अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी मौरफ पे लाम होगी अगर जिसे कहा जाए आ, आ, अगर उसकी सिफत आ रही होगी ना अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो अब आप देखिए कि जैसे हम कहते हैं नहीं इसके इसके बाद वाला इसके बाद, इसके बाद इसके बाद लाइए नेक्स्ट स्पीच लाइए हम्म तो अब आप देखिए अगर मुशारुल्ली की सिफत आ जाएगी तो वो भी मोरबिल नाम होगी जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ हाजा रजुल ठीक है ना शाह अल्लाह तो हाजा क्या है इसे मुशारा और क्या है मुशारुल्लह ये आदमी ये मर्द आप कहेंगे ये सच्चा मर्द कंप्लीट जुमला नहीं है क्योंकि ये अरजुलू अर जो है असादको और की सिफत है ना ठीक है ना तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि आपको इसके अंदर जो हाजा के बाद जो इसके इसकी अलिफ लाम से आपने पहचान लिया कि ये मुशार ये इसकी खबर नहीं हो सकती ठीक है खबर नहीं हो सकती तो और साथ ही आपने कहा जहाँ मुशार आया वहाँ वो मुदाफ वह, वहाँ वो मौसू भी है और असादिको उसकी सिफत भी आ गई तो आप कहेंगे ये सच्चा आदमी ये सच्चा मर्द ठीक है लेकिन अगर ऐसे आ जाए हाजर वजुलू सदिकुन हाजर रजुलू अब अगर आप गौर से देखेंगे सिस्टर तो बहुत आसानी से समझ आएगा हाजर रजुलू ये तो आपको पता है मुरक्कब इशारी है हम्म ये आदमी ये मर्द अब इसकी वन बट खबर आ गई सादिकुन सच्चा है ये मर्द सच्चा है कितना बारीक सा डिफरेंस है सिर्फ अलिफ लाम नहीं लगा लेकिन मीनिंग बदल गया सेंटेंस के जिसे कहा जाए अंडरस्टैंडिंग बदल गई ना तो हाजर जो लोग कौन सा इशारा है कौन सा कौन सा मुरकब है मुरकब इशारी आप कहेंगे हाजर हाजर रजुलु हाजर इसम इशारा और अर क्या है और जो कि हाजर मुब्तदा भी है और अर रजुलु मुशारुन ये आज आदमी ये मर्द और सादिकुन इसकी वन वर्ड खबर आ रही है हुँ? तीसरी बात देखिए तिल कल खुतुबू तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर याद रखिए कि अगर मुशारुलिल गैर अकिल की जमा मुकदसर है तो ऐसे मौके पर आप उसकी जो जोरा लेकर आएंगे वो वाहिद मोनस लेकर आएंगे वाहिद मोनस लेकर आएंगे ठीक है जैसे हमने देखा ना जैसे जुमला इसमिया के अंदर भी मरकबी तो के अंदर गैर आकिल की जमा मुकदसर है तो फिर सिफत वाहिद मोहनस लाई जाती है सेम इसी तरह इसके अंदर भी है कि अल कुतुब को देखिए अलफलाम के साथ है 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 आपको आपको पता चल रहा है। आपको पता चल चल रहा रहा कि ये इससे और यानी मुर्कब इशारी है अब आप देख रहे हैं कि अल कुतुब जो है वो गैर आखिर लिखी है और जमा मुकसर है अब ऐसे मौके पर आप इसके साथ मैच नहीं करेंगे बल्कि क्या लेकर आएंगे वाहिद मोनस तिलकल कुतुब तिलकल कुतुब ठीक है वो किताबें वो किताबें नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए फिर इंशाल्लाह मैं उसपे लेकर आती हूँ जज़ाक अल्लाह कर ठीक है अब मुर, इजाफी और इसम इशारा थोड़ा सा इसको देखना होगा अगर ये समझ आता है तो ठीक है वरना नेक्स्ट ने क्लास में मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है अच्छा अब इसके अंदर आपको देखना है कि कैसे पता चलेगा कि ये किसकी सिफत है ठीक है ना मरा ये है कि आप देखेंगे कि मुरक्ब इजाफी और इसे साथ साथ आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा पहले एग्जाम्पल को देखिये मुरक्ब इजाफी प्लस इसम शारा ठीक है किताबू वलदी हाजा हम्म अब ये पता चले कि ये हाजा किसका किसका किसकी तरफ है यानी मुदाफ की तरफ है या मुदाफिल की तरफ है मुदाफ की तरफ है या मुदाफिल की तरफ है इसका सिंपल सरूल है सिंपल सरूल है याद रखिए अगर अगर इशारा ठीक है अगर इशारा जो है वो मुदाफ की तरफ होगा तो उसको हमेशा मुदाफ मुदाफी के बाद लाया जाएगा मैं आपको जो बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ देखिए हमारे पास किताब वला दिया है हुँ? लड़के की किताब लेकिन आखिर में हजा दिया जा रहा है हम्म तो मुराद लड़के की ये किताब लड़के की ये किताब ठीक है तो इशारा किसकी तरफ है किसकी तरफ है मुदाव की तरफ है किताबो क्या है मुदाफ है अलवलदी क्या है मुदाफ नहीं आप देख रहे हैं कि लड़के की ये किताब तो याद रखिए जब इशारा मुदाफ की तरफ हो तो हमेशा इसम इशारे को उस मुरकब इजाफी यानी उस कंपाउंड के बाद लाया जाता है ठीक है मुरकब इजाफी का जो कंपाउंड है उसको ब्रेक नहीं किया जाता ठीक है याद बात इंशाल्लाह कि अगर इशारा मुदाफ की तरफ है मुदाफ की तरफ है तो इसम इशारा मुरक्कब इजाफी यानी इस कंपाउंड के बाद लाया जाता है हम कहेंगे लड़के की ये किताब लेकिन अगर इशारा मुदाफ इलाही की तरफ है तो याद रखिए उसको मुदाफ के बाद लाया जाएगा और फिर उसके बाद मुदाफिलई आएगा ठीक है तो ये सिंपल सी बात है कि अगर इशारा मुदाफ की तरफ है तो फिर कंपाउंड यानी मरकबे इशारे के बाद आएगा इशारा लेकिन अगर इशारा जो है वो मुदाफिलई की तरफ है तो फिर हम मुदाफ और मुदाफिलई को ब्रेक करेंगे दरमियान में दरम्यान में इसे में इशारा लेकर आएंगे ठीक है तो देखिये किताबो हाजल वल किताब वाली लड़के की लड़के की किताब कौन से उस लड़के की किताब हाज़ा उस लड़के की किताब ठीक है हाजा उस लड़के की किताब तो ये आपको समझ आ गया कि कभी कभी मुरक्कबी इशारी के अंदर इससे इशारा भी दाखिल होता है तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये इशारा जो है वो मुदाफ की तरफ है या मुदाखिले की तरफ याद रखिए अगर मुदाफ की तरफ इशारा है तो वो कंपाउंड के बाद आएगा और अगर वो मुदाफ अलई की तरफ इशारा है तो वो इन बिटवीन द मुदाफ मुदाफ मुदाफिल के दरमियान आएगा ठीक है और फिर आप उस हिसाब से ट्रांसलेशन कर लेंगे इसी तरह देखिए हाजा किताबुल किताबुलवल ये ये किताबुल किताबुलवलदी के हाजा इससे मशारा है ठीक है आप कहेंगे इससे मशारा है लेकिन ये मुबतदा भी है क्यों क्योंकि आगे मुरकबी इजाफी की शक्ल में इसकी खबर आ रही है ये लड़के की किताब है किताबुल किताबुल किताबुलवलदि तो ये लड़के की किताब है तो आज आपको क्या पता चला कि जो मुब्त जो है वो जिसे कहा जाए मुबतदा जो है वो इसम इशारे की शक्ल में भी आ सकता है आपने इसको देख लिया कि मुबतदा जो है वो इसे मिशा, इसे मशारा की शक्ल में भी आ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह तो उम्मीद है के के कि मरकबे इशारी है तो या मरकबे जिसे कहा जाए इजाफी है तो उसमें अगर इसे इसमें आए तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है चलिए अब आप इंशाल्लाह इतना ही रहने देते हैं उम्मीद है कि बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे हम थोड़ी सी अपनी सूरत को देख लेते हैं ठीक है

आज सवाल जो है आपको पता है कस, उसका है ना प्रूफे जा रहा है इसी वजह से देखिए अगर आप अल तो आप आराम से कर सकते हैं चारों लिहाज से पहले इसे में, इसे में तो कौन सी हालत है हालत है जारी, फिर क्या है ये वाहिद जमा आप उसको बता सकते हैं वाहिद है, मुजक्कर है, मोहन मुजक्कर है फिर आप उसको पूरा इनालिसिस कर सकते हैं मारिफा है ना है ठीक है ये तो तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ये ये जो है कसमिया का है वो अल ठीक है इन्नल इंसान इंसाना आज ही अभी हमने पढ़ा इन्ना का देखिए इन्ना की वजह से क्या हुआ कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल आ गई अल इंसाना तो आप क्या कहेंगे इन्ना का ये इसम है अल इंसान इन्ना की इन्ना खबर आ रही है जान मजूर जुमला इन्ना की खबर आ रही है ठीक है ना और ये जो लाम है ना ये जो लाम आ रहा है ये बेसिकली ताद का है ये ताकिद का है ठीक है असल में क्या था फी खेन लेकिन लाम लगा के मजीद ताक़द कर दी कि सब के सब खारे में ठीक है तो आप कहेंगे इन्ना का जो इसम है अल इंसान और चार मजरूर ये शिव जुमला ये इसकी खबर आ रही है ठीक है आके देखियेजीना आमनुमिलिहात है अच्छा अभी आपने इल्ला अर्फ इस पढ़ा नहीं है तो उसको मैं नहीं करूँगी अलना पढ़ चुके हैं चुकेजीजी ये जमा है ठीक है मुजक्र के लिए आता है आमनु ये वर्ब है वालिहात ये भी वर्ब है और साल जो है वो इसमें फिर आप उसको देख सकते हैं आमिला ये अमनु से अमला नाता इसका इसका मस्तर आता है अमल करना अलिहात जिसे कहा जाए ये बेसिकली की जमा है तो फिर आप इसको देख सकते हैं इनशाला हर लिहाज से कैसे है क्या है ना और फिर देखिए देखिये बिलहक ये सारी वर्ण, ये वर्ब है ना ठीक है तवासा तवासा या तौसा से आता तवासी इसका मजदर आता है वसीयत करना करना एक दूसरे को वसीयत की करने के मायने में ठीक है तो और यहाँ पे ये अभी वर्ब है तो हम इसको नहीं देखेंगे बिलह बिलह तो बहुत आसान है हुँ? असल में बी था और अलहक था तो बी की वजह से हमजा की जो हरकत है वो गिर गई बिलह हो गया तो ये जिसे कहा जाए हरूफे जारा हो गया चार मजूर हो गया ना ठीक है वह बेसब्र सेम आपने तबंसा ये अभी आपने किया नहीं है तो आगे बि सब्र आ रहा है बि सब्र को देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये असल में बी था और अज सब्र था ठीक है बी था और अज सब्र था तो बी की वजह से क्या हो गया आपने देखा कि बि सब्र हो गया जान मजरूर बन गया ठीक है ना तो ये बेसिकली आपको एक तरह से बहुत आसान सी सूरत इतना ज्यादा नहीं था लेकिन जितनी चीजें जैसे आप कर चुके हैं तो आप उसको असोलिंग कर सकते जैसे हाथ को कर लीजिए को जिसे कहा जाए कर लीजिए को कर लीजिए ना इंडिविजुअल इंडिविजअल वर्ड्स को लेकर इस तरह से आप उसको इनालिसिस कर सकते हैं इनशाला ठीक है तो आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर दे क्योंकि अब थोड़े ही थोड़े से आपकी रिविजन बाकी है फिर इनशाला आपका टेस्ट है ना तो उम्मीद है आपको रिविजन से फायदा हो रहा होगा अल्लाह की के बाद कर दे ठीक है इनशाला तो चलिए यहीं तक रखते इनशाला आप, आपका होमवर्क बस क्या क्या है कि आपने इनशाला अपनी ये छोटी सी सूरत की रेसिटेशन भेजनी है इनशाला वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भेजनी है इनशाला और साथ ही जो

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا كثيرا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته